नजदीक आ रहे हैं तो चिंता मन में ज्यादा है और सरकारें भी इसे लेकर सचेत हैं। अलग अलग राज्यों में इसके हिसाब से फैसले भी लिए गए हैं। आपको हम दिखाते हैं दिल्ली पुणे में किस तरह की स्थिति है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन को हुए एक साल हो चुका है, लेकिन पिछले कई हफ्तों में कोविड की तादाद काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने पब्लिक गैदरिंग्स को बैन कर दिया है। ये किया गया है आगे आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए। होली आने वाली है, शबे बारात आने वाली है और कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी चालू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी राष्ट्र सरकारों को कहा है कि वो अपने तरीके से कोविड को अपने राष्ट्र के अंदर हैंडल कर सकते हैं। कई राष्ट्र ये भी सोच रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाए जाए। अब सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तान में सेकेंड वेव आएगी या सारे के सारे राज्य कोविड 19 को रोकने में सक्षम रहेंगे। श्वर्या पालीवाल आज तक के लिए नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।